बिहार का जनगणना कीजिए। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। 10,40,49,952। कितना परसेंट है पूरे भारत का? बिहार की जनसंख्या संपूर्ण जी भारत का कितना परसेंट है बताइए? 2.98, 86 ना, 86, टू वो पॉइंट तो कम कर, फोर सिक्स है। 4.86 के 86 है, हाँ हाँ 2.86 86 है। है ना। जी जी बिल्कुल कंफर्म है, 86 है। पुरुष जनसंख्या टोटल कितना है? 5,42,78,157। ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा? 52.14 52.84%। महिला पॉइंट जन महिला जनसंख्या कितना है? महिला जनसंख्या 4,98,921,900। 4,98,21,295 करोड़ है, जी जो कि 47.86% है। एक बार पूछा है, पूरा टोटल जनसंख्या पूछ लिया, 10,40,99,452। बताइएगा ग्रामीण जनसंख्या टोटल कितना है? ग्रामीण जनसंख्या 9 करोड़, हाँ 9,23,41,436 है, जो कि परसेंटेज की बात करें तो संपूर्ण जनसंख्या का 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या कितना है? 1,17,58,16। ठीक है, 1,17,58,16 करोड़ आपका शहरी जनसंख्या है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो संपूर्ण जनसंख्या का 11.3% जो है आपका शहरी जनसंख्या है। लेकिन बजट 2023-24 के अनुसार शहरीकरण का दर क्या है बिहार में, जो कि बढ़ गया है 11% से बढ़कर कितना हो गया है? बजट 23-24 के अनुसार शहरीकरण का दर कितना है? बताइए कोई। आंसर 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 बताओ कितना है। 16., सॉरी आगे का तो हम खुद भूल गए। 16, एक मिनट देख के बता रहा हूँ। 16.32% हो गया है बजट 2023-24 के अनुसार। और वही फैमिली सर्वे की बात करें कि फैमिली सर्वे 5 के अनुसार बिहार का शहरीकरण दर क्या है, तो 15.3% है। तीनों अलग अलग डाटा है, ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार 11.3% शहरीकरण दर है। बजट 2023-24 के अनुसार 16.32% शहरीकरण का दर है। और फैमिली सर्वे रिपोर्ट, पांचवा फैमिली सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो शहरीकरण दर है वो 15.3% है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? 1,106 व्यक्ति प्रति 1,106। हाँ, 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक हो जाएगा? हमें से 2 गया 4, 800, 775, 181, 776 होगा सर जी। कितना होगा? 6 में से 2 गया 4, 74, 9 में से 8 गया 1, घटा के देखो 1,106। पूछेगा क्या ये कितना अंतर है, पूछ एग्जाम में लेता है घटाएंगे ना, परसेंटेज पूछ 382। लेता है। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 8 गया 2, कितना हो गया ये, दस और दस में दस में से सात सौ तीन सात चौबीस सात सौ चौबीस अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जिले का शिवहर का कितना है जनसंख्या घनत्व? 1,880। बहुत ज्यादा 1,880। इसीलिए हर घर नल जल पहुंचाने वाला 100% पहला जिला शिवहर है, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बताइएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? कैमूर। कैमूर का कितना है? 488। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात बताइए बिहार का कितना है? बिहार का हाँ 918। 918 महिला प्रति 1,000 पुरुष। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943।
900 कितना नौ कम सौ हो गया? तैतालीस कम है, बस इतना ध्यान रखिए कि कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? गोपालगंज गोपालगंज कितना है? गोपालगंज का 1021। 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? मुंगेर मुंगेर का हाँ 876 है मुंगेर का। ऐसे आप तो दो तीन जिला पूछने लगा, पिछले साल भी क्वेश्चन में क्रम पूछ लिया था, एक जिला से काम नहीं चलेगा। शिशु लिंगानुपात बताइएगा कितना है बिहार का? 935 है बिहार का। 335 में ठीक है। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? कितना है राष्ट्रीय 919, शिशु 919, 918 या 919 होना चाहिए। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? किशनगंज। किशनगंज 971। सबसे कम लिंगा शिशु लिंगानुपात किस जिले का हो जाएगा? वैशाली का होना चाहिए। सर जी आगे कुछ कीजिए पेपर। वैशाली का 904। हाँ वैशाली 904 लिंगानुपात वाला वैशाली ठीक है। बताइएगा जनसंख्या वृद्धि दर सब कितना परसेंट है बिहार का? 10 की वृद्धि दर 25.24%। हाँ ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि 10 की वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। मधेपुरा का कितना है? मधेपुरा मधेपुरा का कितना 31.12। 31 इकतीस सबसे दशमलव कम एक दो सबसे कम वृद्धि दर किस जिले का है? गोपालगंज। सबसे अधिक गोपालगंज लिंगानुपात और सबसे कम वृद्धि दर, ध्यान में रखिएगा दोनों में गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है आगे क्वेश्चन। कुल साक्षरता दर कितना है बिहार का? 61.8%। हाँ 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। 71.2%। महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। ठीक है एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि कुल साक्षरता दर बिहार का तो 61.8%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें, हाँ पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2%। देखिए सबसे ज्यादा पुरुष ठीक है, सबसे ज्यादा पुरुष 71, उससे 10 कम मतलब टोटल 61 ठीक है, उससे भी महिला 10 कम ठीक है 51, 51 10 61, 61 10 71। ठीक है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। रोहतास। रोहतास कितना है? 73.37%। और ये बिहार का एकमात्र जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है बताइए तो? कोई भी 73.04। यस 73.04 है, यानी कि हम 0. हम नहीं रोहतास जिला 0.37% राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, बिहार का एकमात्र जिला। न्यूनतम साक्षरता दर कौन से जिले का है? सबसे कम पढ़ा लिखा जिला पूर्णिया। कितना परसेंट पढ़ा लिखा है पूर्णिया? 51.08%। बताइएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। ठीक है 82.8% पुरुष जो है रोहतास जिले के पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला सबसे कम पूर्णिया। पूर्णिया हाँ 56.06% पुरुष जो है वहाँ पे मात्र पढ़े हुए हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। रोहतास 62.97% के साथ। और वही हाँ सबसे कम में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है, 41.68 महिला। बाकी सब में महिला पुरुष ओवरऑल में वही रोहतास वही पूर्णिया हाँ, रहता बस इसी में आगे केवल महिला वाला में सहरसा हो जाता है। राष्ट्रीय में भी सर हर जगह आपको केरल बिहार देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कहीं पे बदलता है, वहाँ पे भी एक जगह बदल जाता है साक्षरता में। सर्वाधिक केरल का है, सबसे कम बिहार का है, एक जगह वहाँ साक्षरता में तो नहीं बदलता है सब सब महिला में भी कम है, बिहार पुरुष में भी ओवरऑल कम है ठीक है, ओवरऑल में भी बिहार कम है, केरल सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ सहरसा है ना, वहाँ कौन सा किसी को याद है राष्ट्रीय में कौन सा बदलता है? बिहार तो तीनों में कम है राष्ट्रीय में। नहीं दीदी हम बता रहे ना,
सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला तो केरल है, ठीक है, केरल है केरल राज। है। सबसे कम बिहार, पुरुषों में सबसे ज्यादा केरल, पुरुषों में सबसे कम बिहार, महिलाओं में सबसे ज्यादा केरल, महिलाओं में सबसे कम बिहार। नहीं वहां कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ग्रामीण है। और शहरी वाला में चेंज है मैम, हाँ ग्रामीण और शहरी वाला में। ग्रामीण साड़ी में, अच्छा हाँ हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता ना, उसमें कहीं थोड़ा बहुत कहीं चेंज है, देख करके बताएंगे, ऐसे तो याद चेंज है, नहीं है। वहां भी कहीं हाँ ध्यान हमको दिए भी थे कि क्या लग पे बदल जाएगा। रहा है। देखना पड़ेगा चलिए मैम। आगे पूछते हैं क्वेश्चन, बताइएगा राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष महिला साक्षर, ये तो छोड़िए सबसे नीचे तो हम लोग हैं ही, अंतिम से प्रथम, कुल प्रजनन दर कितना है बिहार का? हाँ अंतिम से प्रथम बिहार का है, प्रजनन दर बताइए 3.3 3.3 प्रति महिला, ये 2016 का 3.3 रिपोर्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जीवन2016 प्रत्याशा कितना है 2016 से 20 के दौरान? 69.5 साल। हाँ 69.5 उतना तो। जन्म दर कितना है प्रति हजार? मैम छब्बीस महिला दशमलव एक पुरुष छब्बीस 2601 हाँ और जा 26.1 पुरुष में ना, शिशु 71 वर्ष है पुरुष में जीवन हाँ प्रत्याशा, और हाँ महिला में लगता है 74 है जहां तक हम याद आ इकहत्तर रहा है इकहत्तर कुल। दशमलव जीरो नौ है, इकहत्तर महिला ज्यादा जीवित रहती दशमलव है। जीरो हाँ नौ महिला पुरुष का में, थोड़ा ज्यादा महिला होता में है, तो और महिला ज्यादा इकहत्तर बढ़ती है दशमलव पांच प्रजनन। महिला में, हाँ शिशु महिला ही मृत्यु दर कम है बताइए सर, कितना है? जीवन भर में महिला कम है, शिशु मृत्यु सत्ताईस दर कितना है? प्रति हजार 27 प्रति 1000 सत्ताईस राष्ट्रीय प्रति औसत से हजार बताइएगा शिशु मृत्यु दर कम है या ज्यादा? कम कम है। हाँ कंपेयर में कितना कम है? कम है कितना सर, कम है? कितना इतना याद कम है? नहीं है एक मैम। 28 है राष्ट्रीय स्तर पे, 28 प्रति हजार है बिहार का, 27 प्रति हजार है, मात्र एक कम है। बताइएगा मातृ मृत्यु दर कितना है? मातृत्व मृत्यु दर 331 331 हाँ 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे। सर्वाधिक शहरीकरण किस जिला का है? पटना 43% पटना भूभाग जो है उसका हाँ शहरीकरण है। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला? समस्तीपुर, समस्तीपुर 3.5 3.5% हाँ 3.5% भाग ही उसका शहरीकरण से, यानी कि अगर हम सर्वाधिक ग्रामीण जिला करें तो समस्तीपुर हो जाएगा। हाँ सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र बोल सकते हैं, हम हो शहरीकरण सकता का मतलब तो ग्रामीण क्षेत्र हाँ बोल ही कम सकते शहरी हैं। का मत हाँ वहाँ शहरीकरण सॉरी शहरीकरण कम है तो ग्रामीण ज्यादा होंगे तो वही हो जाएगा। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60 तो तीसरे स्थान पे तो प्रतिशत दूगो मतलब कौन सा राज्य है इससे यूपी और ज्यादा? दूसरा महाराष्ट्र, पहला यूपी दूसरा हाँ महाराष्ट्र, बिल्कुल बिल्कुल चौथा पे सही कौन सा राज्य? आंसर चौथा आपका पे पश्चिम बिहार के बंगाल, बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम सही बंगाल बिल्कुल सर, हाँ हाँ पश्चिम कन्फर्म बंगाल, ठीक है पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल में। उसके बाद आगे क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पटना, पटना नहीं है क्या? पटना सबसे ज्यादा जिला है, पटना कितना है जनसंख्या पटना का? पटना पटना का जनसंख्या ही है 58 लाख कितना? 38,465 लिया हो ना, 58,38,465 अंठावन अड़तीस चार कितना सौ लिखा है? पैंसठ 58,38,465 पटना का जिला। फिर पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर मधुबनी है, फिर गया है। नहीं। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, ये हो गया आपका जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम नहीं। जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? चकपुरा पहला नंबर पे, सिवहा दूसरा नंबर पे, शिवहर अरवल तीसरा नंबर पे, तीनों को याद रखे ना। ऊपर में मतलब सबसे ज्यादा में मतलब क्या हो जाएगा, पटना फिर पूर्वी चंपारण फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है, यहाँ पे शेखपुरा शिवहर और मतलब क्या अरवल। हाँ ठीक है सर जी, यही है शेखपुरा का सिर्फ याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। 63 63 4 तो इतना ही याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या जी वाला जिला पटना और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर। इस शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, हाँ शेखपुरा शहरी क्षेत्र, शेखपुरा इस शहरी जनसंख्या की बात हो रही है, शहरी सारी जनसंख्या की बात हो जनसंख्या रही है, की ठीक है, बात हो रही ये है ओवरऑल पूरा जिला की बात हो रही है, ठीक है। तो जिला में भी सबसे ज्यादा हाँ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा पटना हो जाता है,
जिला में पटना सबसे ज्यादा, ठीक है, ओवरऑल भी मतलब क्या हो जाएगा, मतलब सारी जनसंख्या में भी पटना ही होगा, लेकिन न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सीवर हो जाएगा 28,116, ठीक है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे, ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। से पूरा जी सर। ठीक है, अनुसूचित जाति बताइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का किस जिले में है? अनुसूचित गया में जाति गया गया में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति वाला सिवार शिवहर में है। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिला में है? प्रतिशत में भी गया गया और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिला में हो जाएगा अनुसूचित जाति का? किशनगंज। किशनगंज में ही है। ठीक ये इम्पोर्टेंट है, पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का एससी का गया गया, ठीक है, न्यूनतम गया जनसंख्या की बात करेंगे एससी का शिवहर शिवहर, ठीक है, शिवहर ध्यान और रखिएगा, प्रतिशत में किशनगंज। न्यूनतम जनसंख्या शिवहर का कुछ ज्यादा नहीं दे दिया है, शिवहर छियानवे का हजार टोटल छह सौ जनसंख्या पैंसठ हो कितना ना? सही है सही है, 96,662 ही है। है, ठीक है, ठीक है, 96,000। बात सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में बात करेंगे तो गया हो जाएगा, न्यूनतम में भी मतलब क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा किशनगंज संख्या कहाँ पे है, है 6.6, पश्चिम और सबसे कम कहाँ पे है, किशनगंज नहीं है, अनुसूचित चंपारण। जनजाति की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में सबसे हाँ ज्यादा है, शिवहर सर, ठीक है, और सबसे कम की बात करेंगे तो कहाँ पे है, शिवहर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक शिवहर है। चलिए बात करेंगे पश्चिम सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंपारण पश्चिमी चंपारण, किसमें, पश्चिम एसटी की बात हो चंपारण रही है, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, और एसपी। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे तो औरंगाबाद खगड़िया समस्तीपुर ये सब में 0.04% है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तैयार रहे, ठीक है, चलिए बताना है आपको, ठीक है, कुल जनसंख्या बिहार का बताइए, कुल जनसंख्या बिहार का बताइए कितना 10,40,99,452। दस चालीस बिल्कुल, ठीक निन्यानवे है, चार बात सौ करेंगे बावन इसमें, बात करेंगे इसमें पुरुषों की मतलब प्रतिशत बताइए कितना, 52%, 52.14, महिलाओं की बावन प्रतिशत दशमलव कितना चौदह एक चार बयालीस बयालीस सैतालीस 42% महिला है। सैतालीस नहीं दशमलव सैतालीस आठ प्रतिशत सौ 42% नहीं, सैतालीस ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितना सैतालीस प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या अठासी दशमलव 88.7%, शहरी सात जनसंख्या परसेंट कितनी है, शहरी जनसंख्या 11.3%, ग्यारह दशमलव तीन बिल्कुल, परसेंट जनसंख्या घनत्व कितना है, 1,106 1,106 1,106, बहुत सुंदर, राष्ट्रीय जनघनत्व कितना है, 382 तीन बहुत सौ सुंदर, 382। बिरासी बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, शिवहर पटना बिल्कुल, ठीक है, न्यूनतम न्यूनतम का जनसंख्या घनत्व किस जिला का, न्यूनतम कैमूर में कैमूर 488 कैमूर में, बहुत सुंदर। लिंगानुपात की मूर बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे कितना है प्रति हजार गोपालगंज महिलाओं पे, पुरुषों की संख्या, 918 सॉरी नौ सौ उल्टा अठारह बोल दिए, 918 महिलाओं की संख्या पुरुषों पर कितना, 918, ठीक है, जबकि राष्ट्रीय कितना है, 943 बिल्कुल राष्ट्रीय 943। 943 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताइए, अब गोपालगंज न्यूनतम में बताइए, न्यूनतम में, गोपालगंज मुंगेर मुंगेर है चलिए अगर सेंट्रल मुंगेर की बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे हमारा उसका क्या बोलते, राष्ट्रीय का बात करेंगे, राष्ट्रीय में इसमें केरल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केरल, केरल और हरियाणा सबसे इसमें कम हरियाणा हरियाणा 877 है ना, उसे एक ही कम साथ बिहार का है, जी ठीक है, 800 अब बात छिहत्तर करते हैं आप, 877 बिल्कुल 78 है कि 77 हरियाणा का, 78 की 77 77 है ना, एक बार अठहत्तर है गया, हरियाणा। चले शिशु लिंगानुपात नहीं सर 0 से 6 वर्ष पहले की से आयु में, पहले सबसे पहले शिशु लिंगानुपात में किसको काउंट करते हैं, तो 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के 0 से 6 वर्ष बच्चों को काउंट करते हैं, ठीक है, इसमें कितना है प्रति हजार बताइए कितना है, 935 नौ नौ सौ सौ पैंतीस पैंतीस जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, राष्ट्रीय लिंगानुपात 919 होना चाहिए, नौ नौ सौ सौ उन्नीस उन्नीस है, ठीक है, 919 है, बिहार का कितना 935 है। सर्वाधिक बात करेंगे शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज किशनगंज किशनगंज, कितना है किशनगंज का, ये होगा 971 नौ सौ इकहत्तर है, नौ कितना सौ है, नौ इकहत्तर सौ से इकहत्तर है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, चलिए अब चलते नौ हैं, सौ इकहत्तर शिशु न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली
वैशाली का कितना है? वैशाली का 904 का। चलिए, जनसंख्या वृद्धि है 10 के, मतलब 10 वर्ष के अंदर में कितना जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है? 25.4%। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुआ? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुआ है? मधेपुरा, मधेपुरा में। ठीक है, बिल्कुल मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा। न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? न्यूनतम गोपालगंज में। गोपालगंज बिहार का कुल सशक्तता 61.8। पुरुष सशक्तता कितना है? पुरुष 71.2%। 71.2 कितना है? 51.5। हमारे नेशनल सशक्तता दर कितना है? नेशनल 73.04 है। 73.04। पुरुष कितना है? 82 समथिंग है पुरुष का, 82 कुछ है। नहीं सर, 80 होगा ना, 80.9%। अच्छा, सर 82 रोहतास का। ठीक है, तो सर्वाधिक सशक्तता दर कहाँ पे? सर्वाधिक सशक्तता दर रोहतास, रोहतास में। कितना है रोहतास का? 73.37। ठीक है, न्यूनतम सशक्तता दर किसका? न्यूनतम सशक्तता दर पूर्णिया 51.08। सर्वाधिक पुरुष सशक्तता दर किसका है? रोहतास का। कितना है रोहतास का? 82.88। बिल्कुल, सर्वाधिक महिला सशक्तता दर किस जिला का है? रोहतास का ही। कितना है? 62.97। बिल्कुल, बता न्यूनतम सशक्तता दर महिला का किस जिला का है? सहरसा। सहरसा का कितना है? पूर्णिया का 41.41। न्यूनतम कितना है महिला का? न्यूनतम कहाँ का महिला का न्यूनतम? सहरसा का। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर महिला पुरुष तथा महिला सशक्तता दोनों का संदर्भ में बिहार सबसे निचले स्थान पर है कि सबसे ऊंचे स्थान पर है? अंतिम से प्रथम बोलिए ना, निचले से। अंतिम से प्रथम है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। कहीं से भी रहिए टॉप रहिए। ठीक है, कुल प्रजनन दर प्रति हजार पे कितना है 2016 के, 2016 को आधार वर्ष बना के मानते हैं तो? 3.3। जीवन पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कितना है? 69.9। बिल्कुल, 69.5 वर्ष है। ठीक है, 69.5 साल। ठीक है, जन्म दर कितना है प्रति हजार पे? 26.1 सर। शिशु मृत्यु दर कितना है प्रति हजार पे? 27 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 किसका है? नेशनल वाला का, नेशनल 28 है। एक कम मातृत्व मृत्यु दर की बात करेंगे प्रति लाख पे कितना है? 331। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है? सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कितना? न्यूनतम शहरीकरण वाला समस्तीपुर। कुल जनसंख्या के आधार पे बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तीसरा। चलिए, बात करेंगे कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत लोग जो है शहरों में निवास करते हैं? चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला का नाम बताइए। ठीक है, सर्वाधिक पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, पटना है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला का नाम बताइए। न्यूनतम जनसंख्या, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, चलो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शहरी जनसंख्या में पूछ रहा हूँ, न्यूनतम में कौन है? न्यूनतम में, न्यूनतम में जिला न्यूनतम में क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखे, शहरी जनसंख्या में सिवार हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे रहती है? गया में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति का कहाँ पे है? सिवार में। प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का, तो प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? सर्वाधिक न्यूनतम में, न्यूनतम में प्रतिशत में किशनगंज। सिवार ओवरऑल में, ठीक है, न्यूनतम में बात करेंगे, परसेंट में तो क्या हो जाएगा? किशनगंज। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे अनुसूचित जनजाति का? सिवार।
शिवहर जाति का भी अनुसूचित जाति या जनजाति दोनों में शिवहर, लेकिन बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पर अनुसूचित जनजाति जी, का, उसमें पश्चिमी चंपारण ही है, प्रतिशत न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में चंपारण कहाँ पे है बताइए, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में तीन जिला होगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तीन जिला में, तीनों जिला का नाम बताइए औरंगाबाद, क्या होगा। नहीं, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, अच्छा औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको औरंगाबाद, क्या रखना है, खगड़िया, ध्यान में रखना है। ठीक है, समस्तीपुर घर से होमवर्क क्या है, तो ये तीनों का मतलब क्या कीजिएगा, जी। होमवर्क एक बार पढ़ के इसको याद करके आइएगा। ठीक है, बजट हो गया, जनसंख्या होगा बिहार के। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बिहार के, आर्थिक समीक्षा, कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार, बजट पढ़ लिए ठीक है, आर्थिक और कल समीक्षा पढ़ेंगे पत्र, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख वन लेंगे, समय बाण जी, स्थिति रिपोर्ट देख लेंगे, ये सब कल देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जी यहाँ पे दो दो जो है अच्छा हम लोग सर, का आज दो का हो गया। ठीक है, अब हम लोग का रात में क्या प्लान है, देखिए हम लोग का प्लान कैसे कैसे रहेगा। ठीक है,